से मिला और मिलने के बाद में मैंने अपने सीएससी फलावटा का जिक्र किया कि सीएससी को चले हुए 4 साल हो गए, वहां पर गायनी तक नहीं है। माननीय मंत्री जी ने आदेशित कर दिया, प्रश्न करोगे मैं मिला कि नहीं मिला, माननीय मंत्री जी ने आदेशित कर दिया, आज तक आपके कहने पे वहां पर एक डॉक्टर सीएमओ ने वहां पर नियुक्ति किया, तो हम कैसे जानेंगे कि मंत्री जी आपका इकबाल बुलंद है? आपका इकबाल मुझे लग रहा है या तो दिल्ली पहुंच गया, प्रधानमंत्री नहीं जानते हैं और सांप काटने के इलाज के लिए ट्रेनिंग करने के लिए घूम रहे हैं। इनको पता नहीं जो कुछ उत्तर प्रदेश के कानून के बारे में भी देखो प्रधानमंत्री। अरे बस सुन तो लीजिए, अब जब सुनना नहीं चाहते, अरे सुनो तो सही, सुनना चाहते बताएंगे कैसे? अरे वही बता रहे, बैठो 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 तो प्रधान सुन तो लीजिए, अरे बैठो गुस्सा नहीं, अरे गुस्से से बीपी बढ़ेगा, एक और डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, बैठो। कमी है तो कैसे विशेषज्ञ डॉक्टर रखे जाएंगे? तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि 8431 पद स्वीकृत हैं और 4426 विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद प्रदेश में स्वीकृत है अलग से। इसमें एक आंसर तो इनका पहले आया था, अभी कुछ दिन पहले क्वेश्चन पूछा था उमा शंकर सिंह जी ने, उसमें इन्होंने चिकित्सालयों में 19011 विशेषज्ञ चिकित्सकों की बात की, अब आया 8031, इसमें कंट्रोवर्सी हो रही है। फिर जो भी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने बोला, हमारी साथी विधायक जी ने बोला कि भाई डॉक्टरों की कमी है या नहीं, पहले सबसे पहले तो यही सवाल बनता है। आप किसी सीएससी पर जाते हैं, पीएससी पर जाते हैं, वहां सबसे पहले सबसे गंभीर जो परेशानी दिक्कत में व्यक्ति होता है सीएससी पीएससी पर पहुंचता है, और सीएससी पीएससी पर हाल ऐसा है ना, वहां हड्डी का डॉक्टर है ना, वहां गायनी है ना, वहां रेडियोलॉजिस्ट तो पूरी की पूरी जगहों पे ही कहीं नहीं है, वहां मैं नहीं ना, वहां पे सर्जन है ना, वहां पे अन्य कोई ऐसा विशेषज्ञ डॉक्टर है। हम माननीय मंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि आपके मेडिकल कॉलेज और सीएससी पीएससी सहित जिला जो अस्पताल हैं उनमें आपके टोटल पद कितने स्वीकृत हैं विशेषज्ञ डॉक्टरों के, और उनके सापेक्ष पिछले सालों में आपने कितनी भर्तियां की हैं और कितने पद आपके सृजित किए गए? मैं एक और सवाल करूंगा, दो सवाल पूछूंगा, उसके बाद मैं अनुपूरक भी की बात रखेंगे कि सरकार ने पिछले 23-24 में 400 पद निकाले विशेषज्ञ डॉक्टरों के, एक बार विज्ञापन निकला, दूसरी बार 500 से ज्यादा डॉक्टर्स का निकला, इसमें कितने डॉक्टर्स विशेषज्ञ आप लोगों ने भर्ती किए या कितना पद चयन आप लोगों ने किया, ये माननीय मंत्री जी बता दें। दूसरे नंबर पर जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, एक आपका चयन होता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, जो लोक सेवा उत्तर प्रदेश आयोग प्रयागराज है, एक तो उससे चयनित करते हैं आप, उनकी तनख्वाह रखते हैं 60 से 70 हजार, एनएचआरएम जो है उससे आप लेते हैं, उससे आपने यहीं पर सदन में खड़े होकर कहा कि हम 5 लाख तक देना चाहते हैं। एक खबर छपी कि भर्ती 70 रेडियोलॉजिस्ट की भर्ती आपने निकाली, आपका डॉक्टर एक भी नहीं आया। ये मुझे आप बता दें, जब 7.5 साल की आपकी सरकार बीत चुकी, 10 साल केंद्र की सरकार को हो गए, और आप ये रोना रोज रोते रहो कि हमारे डॉक्टर आए नहीं, हमने ऐसी भर्ती निकाल दी, हमने वैसी भर्ती निकाल दी, हम ऐसे कह रहे हैं, हम 5 लाख की तनख्वाह देने के लिए कह रहे हैं। मैं मेरठ के बता रहा हूं, मेरठ मान्यवर, आप ये के जिले का नहीं बताओ, प्रश्न हाँ स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं मान्यवर, मेरठ की व्यवस्था के बारे में पूछना चाह रहा हूं। हमारे यहां मेरठ में रेफर सेंटर है, मेरठ मेडिकल कॉलेज, उस मेडिकल कॉलेज में आसपास के सारे जिलों के मरीज रेफर होकर पहुंचते हैं, जब वहां पर पहुंचते हैं मानेगर, वो ऐसी स्थिति वहां पर बनी हुई है कि वो रेफर कर देते हैं हायर सेंटर, और उससे हायर सेंटर सिर्फ दिल्ली में है, इससे नीचे का नहीं है। और यहां तक की इतनी बुरी स्थिति है जिसके बारे में मैंने आपको अवगत कराया था, माननीय अध्यक्ष जी आपकी परमिशन से कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री से मैं व्यक्तिगत रूप से मिला और मिलने के बाद में मैंने अपने सीएससी फलावटा का जिक्र किया कि सीएससी को चले हुए 4 साल हो गए, वहां पर गायनी तक नहीं है। माननीय मंत्री जी ने आदेशित कर दिया, प्रश्न करोगे मैं मिला कि नहीं मिला, माननीय मंत्री जी ने आदेशित कर दिया, आज तक आपके कहने पे वहां पर एक डॉक्टर सीएमओ ने वहां पर नियुक्ति किया, तो हम कैसे जानेंगे कि मंत्री जी आपका इकबाल बुलंद है? आपका इकबाल मुझे लग रहा है या तो दिल्ली पहुंच गया। प्रश्न पे आइए सीधा प्लीज, मैं पूछना चाहता हूँ साफ स्पष्ट, जो आपने प्रश्न निकाला मैं सीधा प्रश्न करिए, सवाल पूछ रहा हूँ सीधा, आप स्पष्ट बता दीजिए कि आपने पिछले सालों में जब से आप मंत्री बने स्वास्थ्य विभाग के कितने विज्ञापन निकाले विशेषज्ञ डॉक्टरों के, और उनके सापेक्ष आपने कितने डॉक्टरों की भर्ती की? दूसरा, आप
जिस तरह एनएचआरएम के माध्यम से 5 लाख की संख्या पर डॉक्टर रखने की बात कर रहे हैं, क्या आप उन डॉक्टर जो पहले से वहां पर काम कर रहे हैं, नौकरियां छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, क्या उनको भी वही तनख्वाह देंगे या नहीं देंगे? बैठिए माननीय मंत्री जी। मेरा एक सुझाव है, माननीय सदस्य लोग जो बिच्छी काटने का मंत्र नहीं जानते हैं और सांप काटने के इलाज के लिए ट्रेनिंग करने के लिए घूम रहे हैं, इनको पता नहीं जो पीएससी पर चिकित्सक काम करता है, एमबीबीएस होता है, उसको लोकसभा से 1 लाख रुपया है, और जो विशेषज्ञ है उनको 5 लाख रुपया रिवर्स बीडिंग से दे रहे हैं। कुछ उत्तर प्रदेश के कानून के बारे में भी देखो प्रधान साहब, और कुछ ट्रेनिंग करो। उसके बाद अध्यक्ष जी इनको पता होना चाहिए दोनों चिकित्सकों में अंतर होता है। सबसे बड़ी बात है कि आपने पूछा हमसे है कि अभी तक हमने कितने चिकित्सकों को नियुक्त किया, कितने कार्यरत, हम पूरा बता रहे, पूरी सूची आपके सामने रखते रहे। प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के हमारे पास कुल नियमित पदों की संख्या हमारे पास 19,656 है। प्रदेश में हमारे पास नियमित जो कार्यरत चिकित्सक है वो 11,123 है। पुनर्नियोजन के माध्यम से, क्योंकि चिकित्सकों की कमी है तो जो रिटायर हो जा रहे हैं उनको हम पुनः सेवा में ले रहे हैं, ऐसे 347 चिकित्सकों को हमने पुनर्नियोजन से भर्ती किया है। वॉक इन इंटरव्यू से हमने 496 चिकित्सकों को भर्ती किया है। इसके अलावा वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से अभी जो तत्काल हमने नियुक्त किया है वैसे 404 चिकित्सक है। एनएचएम के माध्यम से कार्यरत चिकित्सकों की कुल संख्या 2,299 है। देखिए प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों के कुल स्वीकृत पद 8,431 है। जिला चिकित्सालयों में स्वीकृत विशेषज्ञ चिकित्सकों के कुल पदों की संख्या 4,426 है। जिला चिकित्सालयों में कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या 2,123 है। पुनर्नियोजन के माध्यम से 226 है। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से 187 है। एनएचएम के माध्यम से 383 है। इस प्रकार कुल विशेषज्ञ चिकित्सक हमारे पास 2,919 है। इसके अतिरिक्त विशेषज्ञता से जो जनपद के जनपद स्तर पर जो मानक है, हर हमारे पास जो प्रसूत रोग सहायक अध्यक्ष जी 1167 है, निश्चेतक हमारे पास 1428 है, बाल रोग चिकित्सक हमारे पास 1529 है, रेडियोलॉजिस्ट हमारे पास 150 है, पैथोलॉजिस्ट 175 है, जर्नल सर्जन 1427 है, जर्नल फिजिशियन 1387 है, नेत्र रोग विशेषज्ञ 175 है, हड्डी रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालयों में 244 है, कान नाक गला विशेषज्ञ 175 है, त्वचा रोग विशेषज्ञ जिला स्तरीय अस्पतालों में टेली रेडियोलॉजी है तो 145 है, मनोरोग विशेषज्ञ में ये बताइए अब आपको क्या दिक्कत है, 129 है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट 75 है, फोरेंसिक जो पोस्टमार्टम के लिए है 150 है, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट 75 है। इस प्रकार वो लिस्ट दे दिया है, हम कह सकते हैं नहीं, यही जवाब है। इसमें देखिए माननीय उपमुख्यमंत्री जी और एक सेकंड बैठिए, मेरा निवेदन है एक मिनट माननीय अतुल प्रधान जी, जो आपने पूछा वही उन्होंने बताया। एक सेकंड, मैं आपका प्रश्न पढ़ रहा हूं। आपका प्रश्न ये है कि डॉक्टर जिला मुख्यालय की स्थिति में कितने डॉक्टर हैं और कितने, आपने जो पूछा वही है बता रहे हैं। आपने यही पूछा प्रश्न है कि कितने ने अनुपूरक, ये जो डॉक्टर अनुपूरक में भी आपने यही पूछा है कि कितने डॉक्टर्स हैं और कितने डॉक्टर्स नहीं हैं, आपने यही पूछा है। वो बता दिया ना उन्होंने, आपने कितने विज्ञापन निकाले विशेषज्ञ डॉक्टर, अभी उसकी सूचना तो नहीं होगी, सूचना तो बता है, बता रहे हैं जो आपने पूछा वो बता रहे हैं ना, विज्ञापन निकाला उनमें से कितने, माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी सूचना बता, मैं बता दूं सर 12 हैं, 12 कुल, अरे वो आपने बता दो। ओम प्रकाश जी आपका हाथ खड़ा कर रहा हूं, आपने डॉक्टरी का क्या मतलब, भर्ती के स्रोतों के बारे में अतुल जी ने पूछा था, ओम प्रकाश जी को सब मालूम है, भर्ती के स्रोतों के बारे में पूछा है, मैं बता रहा हूं अपने कार्यकाल में कितने विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती निकाली उनका वही बता दो उसके साथ डॉक्टर आए, बस ये बता दो आप, वही बता रहे
हम और बाकी अध्यक्ष जी ये सर्वविदित है कि 2017 से पहले प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या कम थी। नहीं अतुल जी सुन लीजिए पूरी बात को। अरे भाई सुन तो लीजिए अध्यक्ष जी, सुनना नहीं चाहते। अरे सुनो तो सही, सुनना नहीं चाहते बताएंगे कैसे। अरे वही बता रहे, सुन तो लीजिए। अरे बैठो, गुस्सा नहीं। अरे गुस्से से बीपी बढ़ेगा, एक और डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। बैठो, अरे बैठो। अध्यक्ष जी ये सर्वविदित है कि पूरे देश में चिकित्सकों की संख्या की कमी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज इसीलिए खोलने पर काम किया है। अरे सुनो, एक चिकित्सक बनने में एमबीबीएस को 5.5 साल और एमडीएमएस को 8 साल मिनिमम लगता है। हमारी सरकार नए भारत के निर्माण के लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश तेजी के साथ ग्रोथ इंजन के रूप में पूरे देश में उभर करके आ रहा है। और वो सही कह रहे हैं, डॉक्टर 8 साल बनेगा तब भर्ती होगा, तो भर्ती कहां से कर देंगे। अरे आज साल से डॉक्टर बन जाएगा, डॉक्टर का पूरी पढ़ाई करेगा। विज्ञापन निकाले जब से आप मंत्री हैं, चुनौतियों अरे वही बता रहे बस, इन्हीं चुनौतियों से जूझने के लिए। सुनो, रिवर्स बीडिंग पहली बार उत्तर प्रदेश में पूरे देश में शुरू हुई। ये सारा जवाब आ गया, वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से हमने भर्ती किया। अरे जब उन्होंने पूरा ओपन कर दिया है कि जितने मर्जी डॉक्टर आए, तो उसमें सीधे भर्ती हो रही है। देखिए मेरी एल टू लेवल पर जवाब आया।